ग्रामोफोन और वो पुराने जमाने का टेलीफोन। सही में ऐसा नहीं लगता ना कि हम टाइम मशीन में बैठकर किसी और ही दौर में पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये सब देखकर ऐसा लग रहा है तो जरा सोचिए बिग बॉस के घर को देखकर क्या कहेंगे। भाई इन्होंने तो बनाया ही म्यूजियम है, और म्यूजियम में आपको पता है ना कि कौन रहता है। तो चलिए आप भी देखिए एक झलक बिग बॉस के नए सीजन के इस घर की। साजिश आज आपको लेकर आया है बिग बॉस 13 के घर में। आज हम आप सबके सामने करेंगे बिग बॉस 13 के इस घर की मुंह दिखाई। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्री के साथ ही इस बीबी के साथ यानी बिग बॉस के घर में इस दरवाजे से होने वाली है सितारों के घर में एंट्री। बिग बॉस के घर के गार्डन एरिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गेम्स या फिर यू कह लीजिए पॉलिटिक्स रोना धोना यहाँ पर होता है, पर इस बार इस गार्डन एरिया की बात कुछ अलग होगी। फिलहाल यहाँ पर कोई जेल दिखाई नहीं दे रही है, पर कोई ना कोई सरप्राइज जरूर होगा। बिग बॉस का गार्डन एरिया तो आप सबने देख लिया, और इस गार्डन एरिया की अगर बात करें तो टास्क के साथ साथ हर जगह एक सिटिंग एरिया बनाया गया है जहां पर कह सकते हैं आपके सितारे बैठकर रोते हुए मस्ती करते हुए या फिर कह लीजिए अपनी चाले चलते हुए नजर आएंगे। और अब हम चल रहे हैं बिग बॉस के घर में अंदर, वो एरिया जहाँ हर हफ्ते सलमान आते हैं अपने जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे जो सितारे होंगे उनके साथ बात करते हैं। सेट में मैंने बहुत सब चीज अंदर डाल दिया हुआ है, एंड धीरे धीरे करके लोग देखेंगे अपने आप और यू नो जानेंगे कि अरे ये देखा नहीं था। बैठे बैठे आप दीवार बात करने लगती है आपसे, यू नो आप अकेले हो जाते हो, फिर जोड़ियां बना लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं डिप्रेस होकर जब कोने में बैठोगे तब ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बना गया है कोना। तो ये है वो सोफा जहां पर हर हफ्ते सितारों की क्लास सलमान लगाते हुए नजर आएंगे। और इस रूम की अगर इस एरिया की बात करें तो बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही कलरफुल थीम रखी गई है। दीवारों को अगर आप देखें तो कहीं से कोई जानवर बाहर आ रहा है, कहीं से कुछ अलग सी वाइब्रेंट और कह लीजिए म्यूजियम वाली फील देने की कोशिश की गई है। और जैसे कि हमने कहा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश की है, तो कुछ वैसा ही स्पेशल है ये एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कभी ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप्स जो बनते हैं बिग बॉस के घर में हर एक ग्रुप के लिए अपनी अपनी एक कह सकते हैं जगह बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है इस बिग बॉस के घर में। और फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं, अब आपको लेकर चलते हैं उस एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा साजिशें होती हैं, जिस जगह पे कह सकते हैं कि जिसकी सत्ता चलती है अक्सर वही उस जगह पे पाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किचन की। तो चलिए चलते हैं बीबी कैफे की तरफ। बिग बॉस घर के किचन के इस इंटीरियर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किचन में कितना ड्रामा होने वाला है। जैसे कि आप इंटीरियर में देख रहे हैं प्लेट चम्मच हर एक चीज़ अपने आप में यहाँ पे तूफान मचा रही है, तो कुछ ऐसा ही तूफान यहाँ पे सितारे लेकर आने वाले हैं। अगर पुराने सीजन्स को देखें और पुराने सीजन्स को याद करके देखा जाए तो जो इस किचन में रूल करता है अक्सर वही बिग बॉस का विनर बनता है। और
गेट की अगर बात करें, फिलहाल ये दरवाज़ा लॉक है, लेकिन हर हफ्ते या फिर यूँ कह लीजिए 15 एपिसोड के बाद, कुछ हफ्तों के बाद एक नया नया ट्विस्ट आता है, तो शायद ये दरवाज़ा उन ट्विस्ट में से एक होगा। और क्या होगा वो तो वक्त के साथ पता ही चल जाएगा। अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, डाइनिंग टेबल जहाँ पर गुस्सा जाहिर करने का एक जरिया होता है। और इस टेबल की अगर बात करें तो बिग बॉस की आँख, जो कि कह सकते हैं बिग बॉस का एक अपने आप में सिंबल है, उसको नज़र में रखते हुए इस टेबल को डिज़ाइन किया गया है। और इस टेबल के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो आई बॉल होती है वो डिज़ाइन की गई है। कुछ ऐसा है एंट्री पॉइंट बाथरूम का। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं किताबों के साथ, कुछ पन्नों के साथ यहाँ पर इस बाथरूम को डेकोरेट किया गया है। और अब अगर बात करें बाथरूम एरिया की, तो यहाँ पर ये स्टोर रूम, सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे उनका स्टोर रूम है। और यहाँ पर जो बाथरूम में जो कांच है उनको बिग बॉस की आँख का शेप दिया गया है। ये है कन्फेशन रूम के बाहर का एरिया, जहाँ पर ऊपर शतरंज की सारी चालें बिछाई गई हैं, तय होगा कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे। और अब हम चलते हैं कन्फेशन रूम की तरफ। कन्फेशन रूम की अगर बात करें, अगर इंटीरियर की बात करें, तो हर जगह रॉप जो रस्सी होती है उससे डिज़ाइन किया गया है और मिरर को यूज़ किया गया है। और ये है वो सीट जहाँ पर सितारे अपना दुख जाहिर करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए वो जो शिकवे होते हैं अपने को एक्टर्स के साथ, जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ वो जाहिर करते हैं। तो ये है बिग बॉस का कन्फेशन रूम। जहाँ पर तय, यहाँ पर इस बार लड़का और लड़की को कुछ डिवाइड जैसा नहीं किया है। और पुराने सीजन्स को अगर याद करें तो लव स्टोरीज जो बिग बॉस के घर में निकली है वो इसी कमरे से मोस्टली होकर निकली है। बिग बॉस का घर तो हमने आपको दिखा दिया, घर पूरी तरीके से तैयार है। अब बस इंतज़ार है तो सेलिब्रिटी प्रतियोगियों का, जो यहाँ पर बिग बॉस के घर में रहेंगे। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ निशी मिश्रा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। छोटी सरदारनी में परम जो है उनका बर्थडे बहुत ही ग्रैंड हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, जी हाँ मेहर ने। लेकिन सीरियल में जब भी कुछ बड़ा होता है ना, तो एक ट्विस्ट तो आ ही जाता है। नन्हे परम ने जैसा सोचा था, देखिए उसकी बर्थडे पार्टी में वैसा ही हुआ। मेहर मामा ने उसे सुपर हीरो बनाया और पार्टी में चार चांद भी लगा दिया। कैसी लगी ड्रेस? अच्छी है ना? ये वाली ड्रेस पहनी थी। अच्छा, क्यों? अब पता कैसे चलेगा?
जाओ ना। इस पार्टी में बरम को खुद के लिए इतनी खुशी नहीं मिल रही है जितनी अपनी मेहर ममा के लिए। कुछ ही दिनों में मेहर का लगाव भी तो परम से बहुत हो गया है। फिर भले ही सरबजीत चाहता है कि मेहर उसकी जिंदगी से दूर चली जाए, इस पार्टी में हंगामा भी होगा खुशी के बीच, क्योंकि इस पार्टी में मेहर और सरबजीत ने तलाक लेने का एक दूसरे से फैसला किया है, वो सबके सामने आ जाएगा। किसी भी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन कभी भी अपनी लाइफ में ना पूछना पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टेंसेस, तो इट वाज नेवर इंटेंशनल। मोमेंट वाज के भाई मतलब हम ये वाली चीज हमने सबसे छुपाई हुई थी। हाँ, ये हमारे बीच की बात की थी। अब भाई देखिए, सीरियल की कहानी है, मेहर को सरबजीत की जिंदगी में लाया गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि इतनी आसानी से कोई तलाक वलाक होगा नहीं। और मेहर जरा ये तो सोचिए, आपकी मम्मी जी कुलवंत कौर को जब इस बात का पता चलेगा तो क्या वो आपको छोड़ेंगी क्या? नहीं ना। तो भाई हमारी बात मानिए, प्यारे परम की बर्थडे पार्टी इंजॉय कीजिए और ये तलाक वलाक का इरादा ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। नहीं नहीं, आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन। वैसे परम के बर्थडे पर मेहर यानी कि निमृत को सजने सवरने का खूब मौका मिला है। जरा देखिए ना किस कदर मेहर अपना फोटो शूट करवा रही है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। समय के साथ तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, जी हाँ, हमारे आसपास भी और हमारे परिवार में भी। तभी तो 5 साल के लीप के बाद धनक के जीवन में भी बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा लगने लगा है कि धनक के जीवन में कोई और आ गया है। रघु जो जेल से छूट कर आया है, उसे अपना बेटा भी मिल गया है। साल के बाद मिलिए धनक से। जी हाँ, ये वही धनक है जिसे आपने अक्सर पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखा होगा या अपने ससुराल में बहू के रूप में। लेकिन 5 साल बाद ये धनक एकदम बदल गई है और साथ ही उसका साथी भी बदल गया है। ये किरदार का नाम है अक्षय और ये अभी अभी शो गठबंधन में एंटर हुआ है और ये किरदार काफ़ी ऑडियंस के लिए इंट्रिकिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे इसमें कुछ हट के कर रहा हूँ मैं। धनक ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है और धनक की नई जिंदगी में किसी ने दस्तक भी दे दी है। अब 5 साल में क्या क्या हुआ ये बताने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो शॉर्टकट में जरूर बताएंगे। इन 5 सालों में धनक ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आप सबको तो याद ही होगा, रघु जेल में था। अब 5 साल बाद वो जेल से निकला तो उसने अपने बेटे को भी देखा और आते ही अपने बेटे को मुसीबत से भी बचा लिया। ऊपर वाले का करम कह सकते हैं कि सही टाइम पे मुझे टंकी दिखी और मैंने उसको सही टाइम पे कैच कर लिया और बचा लिया बेटे को। बट मुझे पता नहीं था बेटा है मेरा अभी, बट जब वो पता चला और खुशी और भी दुगनी चौगनी हो। उधर माई 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली, वो वैसी की वैसी ही है। अभी भी वो धनक के खिलाफ रघु के कान भरती है। अरे मेरा दिल जलता है क्योंकि उसने मेरे पोते को मेरे से दूर रखा है, मेरी एक बेटी की औलाद, मगर आज तक मैं उसको गले लगाने के लिए तरस रही है।
एक मिनट, भड़का नहीं रही हूँ, वो मेरी जेन्युइन फीलिंग है, एक अज्जी की, दादी माँ की एक फीलिंग है, एक माँ की फीलिंग है, जो अपने बेटे के साथ शेयर नहीं करेगी तो फिर किसके साथ शेयर करेगी। लेकिन रघु है कि वो धनक के दिल में दोबारा जगह बनाना चाहता है। धनक अभी नाराज है उससे और अपने बेटे को दूर रखना चाहती है रघु से, तो रघु इज ट्राइंग टू करेक्ट थिंग्स और वापस उसका दिल जीतना चाहता है, वही कोशिश कर रहा है। लेकिन रघु इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब धनक की जिंदगी में कोई और भी तो है जिसने इन 5 सालों में उसका बहुत साथ दिया है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल का नाम मुस्कान है और हीरो का नाम रौनक, लेकिन लगता है कि इनकी लाइफ में दोनों ही नहीं है, ना मुस्कान ना रौनक, तभी तो पिट रहे हैं बुरी तरह से ठाकुर के आदमियों से। ये मारा नौकर होके मारे से खिलाफत करता है, सच्चाई क्यों अच्छा करता है उसकी? मुस्कान के रौनक को पड़ रही है मार, मिली है उसको बहुत बड़ी सजा। जो मालिक उसे अब तक अपना वफादार मानते थे, अब उन्हें पता चल गया कि ये रौनक उनका नहीं बल्कि मुस्कान का साथ देता है और बार बार मुस्कान की बच जाने की वजह रौनक ही है। इसलिए रौनक को चाबुक से फटकार रहे हैं, खूब मार रहे हैं। रौनक पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए यहाँ मुस्कान भी आ गई। उसने मालिक को बताया कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा और रौनक जी का कोई संबंध नहीं है। हालांकि रौनक ने भी यही कहा था कि मैं सिर्फ मालिक का वफादार हूँ, लेकिन लगता है अब मालिक को यकीन हो चुका है कि रौनक और मुस्कान एक हैं। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और रौनक मुस्कान की मदद कर रहा है। रौनक का बचाव करने आई मुस्कान का गला दबाकर उसे भी मारने की कोशिश की, तब रौनक ने मालिक को रोकने की कोशिश की, तो मालिक का शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों में कुछ तो है, तभी एक दूसरे को मार खाने से ये रोक रहे हैं। मालिक, मालिक प्लीज मुस्कान जी को छोड़ दीजिए, जो सारा मेरा हमें दीजिए आप प्लीज मालिक। अब रौनक का क्या हो रहा है ये तो आपको देख ही गया। रौनक को इतना मारा कि वो कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब लगता है मालिक का कहर मुस्कान पर बरपेगा और मुस्कान की मुसीबत बढ़ेगी। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। कुछ ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो दिल पर पत्थर रख कर लिए जाते हैं। दिल टूट जाता है लेकिन परिवार की भलाई के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, और कुछ ऐसा ही किया है कार्तिक ने भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जी हाँ, अपने बेटे को यानी कायरव को अपने से दूर कर दिया, लेकिन क्या करें, बच्चे की भलाई आखिरकार इसी में थी। नो, 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 ऐसे नहीं कहते बेटा, आप गुड बॉय हो, आप बहुत गुड बॉय हो। पत्थर रखकर एक पिता ने अपने ही बेटे को खुद से दूर कर लिया। कार्तिक के लिए कायरव को अपने आप से दूर करना ये सच में जिस्म से जान निकालने जैसा हो गया है।
सालों के बाद उसे अपना बेटा मिला, लेकिन उसकी दूसरी शादी ने बेटे को बाप से दूर कर दिया। ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन एक घंटे के लिए भी अगर दूर जा रहा है तो मन को बहुत हर्ट होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा हमारे घर में ही रहना चाहिए, और परदादी हूँ उस, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो फॉर मी इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डे। नायरा ने कायरव को कितना मनाया अपने नानी के घर जाने के लिए, लेकिन कायरव बिल्कुल नहीं माना। अब कार्तिक की बात वो टाल नहीं सकता था, तो कार्तिक ने भी कहा कि कायरव कुछ दिनों की बात है, अपने नानी के घर चले जाओ। अब देखो, जब तक आप और पापा नहीं मिले थे हम कितने वैसे वहां भी सबको आपसे मिलना है, वो भी हैप्पी हो जाए। प्लीज अपनी मम्मा की बात सुनो। ये पापा से इतना प्यार करता है कि पापा की बात को टाल ही नहीं पाया। मुझे बहुत सैड फीलिंग हो रही है क्योंकि मैं पापा को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़े दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे भी उसके लिए बहुत सैड लग रहा है कि ताकि वो जल्दी आ जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे उसने बताया कि सीन में कि मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगा। जरा देखिए वंश को भी कितना बुरा लग रहा है, उसका छोटा भाई उससे दूर जा रहा है। कार्तिक और वंश दोनों ही कायरव को भुला नहीं पा रहे हैं। इसी के बाद से अब शुरुआत होगी एक कायरव की कस्टडी की। जी हाँ, कार्तिक केस करेगा कायरव को लेकर, और उसके बाद आप नहीं जानते कितने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। इस सीरियल में वकील की एंट्री होगी। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने क्लाइंट को जिताने के लिए कितने सवाल जवाब और न जाने कितने इल्जाम लगाएंगे। घर की बात अब पूरी दुनिया में कैसे फैलेगी ये देखना। और तो और, हमने तो यहाँ तक सुना है कि कोर्ट में कार्तिक के वकील नायरा के चरित्र पर भी सवाल उठाएंगे, यानी कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो सब अब आपको देखने मिलेगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, फोन तो रखो भाई। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लगता है कि फोन पर ना अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। वैसे पूरी जिंदगी तो नहीं, पूरा दिन तो हम भी बिताएंगे ना ना, फोन पर नहीं लेकिन डे आउट करते हुए। भाई वो जीजा जी छत पर है कि इलायची है ना, उसके पापा यानी कि अनूप उपाध्याय के साथ। की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं अनूप जी, तो आज साजबो और साजिश उनके घर आया हुआ है, और ये जानने के लिए कि आखिर उनका दिन किस तरह से बीतता है। तो अनूप जी, आपका स्वागत है साजबो और साजिश में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एबीपी न्यूज का कि मेरे घर पे आए हैं आप, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने घर पे। एक चीज ये जानना चाहेंगे, जब आपको लोग देखते हैं, आप FIR फिर लापतागंज काफी कुछ कॉमेडी कर चुके हैं, तो एक पहचान हो चुकी है, तो एक फेस जब लोग आपको देखते हैं तो मतलब कि हंसना शुरू कर देते हैं। जी ऐसे ही होता है, और कभी कभी तो मैं शक करता हूँ कि देख के मुझे हंस क्यों रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत सा पहना हुआ है, क्या है यार, कुछ चेहरे पे कुछ चले गए, फिर याद आता है कि नहीं नहीं शायद यह कोई शो के बारे में याद करके फिर हंस रहे हैं। आपका
बेस्ट कॉमेडियन कौन है, मतलब आप किसको फॉलो करते हैं या फिर जो इंस्पायर करता है आप? देखिए मैं आपको बताऊं कि चार्ली चैपलिन जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडी के बादशाह हैं, तो एक ऐड आया था 2003 में, तब मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता था, तो उस टाइम पे उसका ऑडिशन मैंने दिया, वो था चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश का ऐड, तो ब्लैक एंड व्हाइट वो आता था, तो उसमें जो चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर किया था वो मैंने किया था, और लोग जो है नहीं समझ पाए, लोगों को लगा कि वो शायद असली चार्ली चैपलिन है, तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं ऐड वो वाला। तो अब हम आपके घर आए हैं तो जरा एक बार घर की सैर करा दीजिए। ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा सेटिंग एरिया है, यहाँ हम बैठते हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं और बैठने के बाद थक के शाम को आते हैं तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम देखते हैं जिसका नाम है जीजा जी छत पर हैं। ये हमारा गार्डन है, यहाँ अच्छी सी हवा आती है, ये कौन कौन से पेड़ पौधे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ आगे मैं बहुत ही अच्छी हवा लेता हूँ, सामने सब कुछ दिख रहा है दूर तक, चारों तरफ वैसे मेरे घर के आसपास काफी हरियाली है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है मुझे, उस ऑक्सीजन की वजह से ही हम वो ऑक्सीजन लेके सीधा शूटिंग पे जाते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है जहां हम बैठ के कुछ खाते पीते हैं, देखिए ये चाय और बिस्किट रखे हुए, आप लोगों ने चाय नहीं पी यहाँ पे हर जगह देखिए आपको ऑक्सीजन जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरी वाइफ का कहना है कि ऑक्सीजन अगर पूरी बॉडी के अंदर है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, मैं फौरन ऑक्सीजन लेता हूँ और काम पे निकलता हूँ। आइए ये देखिए, ये अभी ये ओहो ये है, ये अरे अच्छा ये देखिए, ये हमारे सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने हमें बहुत प्यार से हमें दी हैं और वो हमने उनकी याद में यहाँ पे रखा है, तो ये हम यादों का ये हमारा खजाना, मतलब वो है जगह जहाँ पे हम यादें सजो के रखते हैं। ये भाभी जी घर पर हैं के लिए था, ये 1000 एपिसोड पूरे हुए थे, भाभी जी घर पर हैं तो उसमें उन्होंने हमको एक याद के रूप में हमें ये गिफ्ट किया। मैं आ गया आप किचन में, ओहो हेलो, ये देखो सास बहू और साजिश आए हुए तो ये यहाँ पे जो है मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, और मेरे ये ओहो देखिए ये फ्रूट्स कट रहे हैं, इसके ये सारी चीज़ें जो हैं बना के इसलिए देती हैं कि शरीर जो है अच्छी तरह से चलता रहे और काम बंदा करता रहे। जीजा जी छत पर है के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, नहीं अच्छा शो है आप सब देखिए, दैट्स इट। आज मैंने लंच रेडी कर लिया है और अभी ब्रेकफास्ट की वो कर रही हूँ, लंच रेडी ऑलमोस्ट। मैंने आज बनाया है राजमा, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का जल्दी होता है ना, तो मैं एक ही सब्जी ऐसे बनाती हूँ जितनी हो सके, और अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और उनको एप्पल्स चेक देती हूँ, दैट्स इट। अलग नहीं है जैसे है वो, मतलब ट्रांसपेरेंट उनका नेचर ही ऐसा है, बहुत फनी है, अब बोलते हैं ना फुल ऑफ बीन्स, जिसको लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं वैसे है, और बस ये है वो जहाँ पर हम लोग गए हैं, मस्ती की है, दुबई गए थे, कनाडा गए थे हम लोग और जर्मनी गए थे, तो कुछ जगहों पर गए हैं और वहाँ की यादें संजो के लाए हैं, तो यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं, और आज मेरी बेटी नहीं है, बेटी स्कूल गई हुई है, वरना मैं आपसे उसको भी मिलाता। देखिए ये बेटी का रूम है, लेकिन बेटी स्कूल गई है तो है नहीं, देखिए वो रोज़ाना कुछ ना कुछ इस पर लिखती रहती है, कुछ लिख के जाती है। ये है मेरी बेटी अनुकृति उपाध्याय, तो अभी स्कूल में है, लौट के आएगी तो तब तक मैं शूटिंग पे जा चुका हूँगा, जीजा जी छत पर है कि शूटिंग पे, तो वो बहुत पसंद करती है ये शो। ये हमारा बेडरूम है जहाँ हम लोग शाम को आते हैं थक के, फिर आराम करते हैं, बातें बातें करते हैं, और बस ये छोटा सा घर है मेरा, यहाँ पे मैं बैठता हूँ कभी कभी, आराम के पल होते हैं तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, और बैठ के कुछ सोचना या कुछ रिलैक्स करना
या कुछ म्यूजिक सुनता हूँ यहाँ पे, मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ यहाँ बैठते हैं, शाम के वक्त चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, देखते हैं, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। आइए मैं आपको वो अपनी वार्डरोब का कुछ वो दिखाता हूँ, जहाँ से मैं जल्दी से कपड़े पहन के अपने निकल जाता हूँ। तो ये कलेक्शन है थोड़ा सा नीचे तक, तो हम यहाँ से पहनते हैं और निकल जाते हैं। मुझे तैयार होना होगा क्योंकि सब लोग, देखा आपने, धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि मैं क्यों नहीं रेडी हुआ, लेकिन मुझे रेडी होने में सिर्फ 2 मिनट। आइए, ये विनायक हैं जो पूरे दिन हमारी सेवा में तत्पर रहेंगे। ये, इनको पता है कि हमको किस वक्त क्या चाहिए। और विनायक अभी कुछ दिन पहले बीमार थे, लेकिन सबकी दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि अभी स्वस्थ और मुस्कुरा रहे हैं। तो विनायक बाबू, हो जाए गर्मा गर्म, कितनी कितनी? 3-4। और कितने एमएल? 30 ml। तो 3 चाय अभी आएंगी, हम लोग सब बैठ कर पियेंगे, उसका मजा लेंगे। क्या था और क्या हो गया, है ना? क्या एकदम कौला लौंडा निकला था घर से और अब बन गए हैं एक बाप अधेड़ उम्र के। तो अभी कुछ चीजें और बाकी हैं जो अभी हम पहनेंगे, लेकिन आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ लोगों से जो हमारे सेट पर हैं। ये देखिए निखिल खुराना जो हमारे साथ कर रहे हैं पंचम। तो हमें बड़ा मजा आता है पंचम के साथ। पंचम, तुम क्या कहते हो? आज मौका ये है कि तुमने बहुत खूबसूरत सा जो है सनग्लासेस लगाए हुए हैं। दरअसल क्या है कि मेरे आंख में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैंने सनग्लासेस लगाए हैं। क्या वजह है जो इन्फेक्शन हो गया? या किसी को चश्मे के अंदर से देख रहे हो चुपचाप? इन्हें तो मैं कहता ही हूँ कि ये कॉमेडी के सचिन तेंदुलकर हैं, और जैसे सचिन तेंदुलकर का एक बैट लगा है बैंड्रा में, वैसी अनूप सर की कुछ क्वर्क्स लगनी चाहिए ऑल ओवर द सिटी एंड ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। और अगर पर्सनली बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बातूनी आदमी भी यही है। ये हमारी बेटी इलायची है, अभी थोड़ी देर पहले हम मिले थे, थोड़ी और ज्यादा तैयार हो गई है ये, और ज्यादा तैयार हो गई है, और अभी शूटिंग का टाइम हो रहा है, तो ये लोग फटाफट अपने चेहरे को जो है रंग रहे हैं, और रंगने के बाद फिर अपने रंग बिखेरेंगे, और उसके बाद पेंटिंग चल रही है इनके चेहरे की। और ये जो है ये सुनीता सेल्फी, ये भी है सुनीता बाबा जो लगी हुई है फटाफट और अपने आप को कलर करने में, काफी कलरफुल बन के फिर ये दोनों बच्चियां पहुंचेंगी सेट पर और बहुत धमाल कर देंगी। गॉसिप क्वीन है हमारे सेट की। सारी गॉसिप इन्हें जरूर पता होती है हर चीज की, और बताते सुनो ऐसा हो रहा है, सुना तुमने वहां ऐसा हो रहा है, अरे अनूप जी। और जो जोक्स क्रैक करते हैं लगता नहीं है कि हम लोग सेट पे हैं या काम कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड इट्स मोर लाइक अ फैमिली। तो बहुत ही मजा आता है। अपने ऐसे जोक्स क्रैक किए अभी तक के नहीं? आपने वो दर्शकों को ऐसा मौका दिया अपनी हंसाया आपने अभी? नहीं, और दूसरी चीज ये है कि इलायची भी काफी समझती है चीजों को, लगती बच्ची है। देखा यहाँ पे भी
हाँ करो कभी करो कभी, कभी कभी तो हम भी ताज्जुब कर जाते हैं, कह रहे यार इसको नहीं झूठ है क्या? ये सब फेक झूठ है दोस्तों। नहीं नहीं लेकिन बहुत अच्छे हैं दोनों, ये प्यारी बच्ची हो। हाँ, नहीं प्यारी तो है और बहुत अच्छा काम करने में बहुत अपने माहिर है अपनी चीजों में, टाइम से आना। हम मतलब हम लेट हो जाएं लेकिन ये लेट नहीं होती। oh, और, so हाँ, और आ जाती है टाइम से, लेकिन मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा दिल लेट हो जाता हूँ लेकिन जल्दी आकर पहले रेडी हो जाता हूँ, जैसे कि अभी हो गया जैसे कि अभी हो गया हूँ और मैं कहता हूँ चलो चलो यार जल्दी चलो। आज मैं दुल्हन बन रही हूँ तो मुझे लिबर्टी है देर तक रेडी होने की। देखिए आप लोगों ने मेरा डे आउट देखा, मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताया, इसके लिए मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूँगा। और अब हम जो है इसका आज के डे आउट का एंड करना चाहते हैं। ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार लेके नूर आया, यार लेके नूर आया, यार लेके जिंदगी, यारी है दस यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।